हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सोनिया तिवारी चैनल। और आज सोनिया जी ने बोला है कि चैनल का सॉरी आज की वीडियो का स्टार्टिंग आप करोगे, तो मैं सोचा चलो ठीक है मैं ही स्टार्ट कर लेता। रात के बज रहे हैं 10 और सालू जी बना रही हैं खाना डिनर। काफ़ी दिनों बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है, हाय बाय हो रहा है। और चलिए मैं ले चलता हूँ आपको सोनिया जी के पास। Hey guys, a very good evening. Evening बोलेंगे ना? नाइट ही पता हो नहीं, रहा है। नाइट हो गई है। तो अब गुड नाइट तो मतलब सोते वक्त बोलते हैं, मैं सो तो रही नहीं हूँ। तो गुड इवनिंग। और आज है संडे, और आज का संडे वाली हैप्पी संडे, क्योंकि मेरा बेटा ठीक है बिल्कुल। और मैं कर रही हूँ कुकिंग अभी, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ चलो तहरी, मतलब पुलाव तहरी कुछ भी कह लो आप लोग। यूपी में तो तहरी बोलते हैं इसको। और ये रीजन अभी आप लोग बोलोगे कि सोनिया इतनी लेट खाना खा रही हो, कैसे जाएगा वो वेट वेट। तो मैंने अपने लिए यहाँ पे, मैं तहरी नहीं खाऊंगी, मैंने अपने लिए सिंपल ओट्स बना के रखे हुए हैं ये यहाँ मैं पे, खाऊंगा। मैं खाऊंगी। ये देखिए, नीचे करो ना कैमरा थोड़ा सा। हाँ लंबी हो खाओ गई थोड़ा। ना, अब मैं लंबी तो होने वाली नहीं हूँ। ये मैंने यहाँ पे ओट्स बना के रखे हुए हैं, सिंपल कुछ भी नहीं डाला इसमें, सिर्फ हल्दी डाली हुई है और नमक, और पका लिया है। ठीक है, ये मैं खाऊंगी। और दिवाकर जी और डुबू के लिए तहरी बन गई है चावल। और इसके अलावा आज संडे था, काम बहुत था हमारे पास। आप भी कुछ बोल सकते हो, वैसे मैंने मना तो नहीं किया आपको बोलने के लिए। नहीं, जब तुम स्टार्ट होगी तो मैं तो ऐसे ही चुप हो जाता हूँ। अरे मैं डाल रही हूँ मटर तहरी में। मटर मटर ले लो, पता नहीं कुछ ऐसा। हमारी गली में ना एक अंकल आया करते थे, जब मटर बेचने आते थे तो बोलते थे मटर ले लो, मटर खुल जाए सबके सटर, मटर ले लो। तो मैं सब्जी वाले, अब तो नहीं, नीचे करो ना, अब तो नहीं, लेकिन मैं सब्जी वाले भैया जो होते हैं ना, सब्जी वाले अंकल, मैं उनकी पहले बहुत कॉपी किया करती थी, क्योंकि ये करने में मुझे बहुत मजा आता खुल गया सटर है। था। क्या 10 का किलो, 10 का किलो, 10 का किलो, 10 का किलो। टमाटर वाटर वाले भी आते थे ना, मैं उनकी बहुत ज्यादा कॉपी करती थी, बट अब मैं ऐसा नहीं तो करती। आइए दिखाता हूँ मैं। खुल गया ये, यहाँ पे शटर खुलते हुए मसाले में मटर जो है शटर खोल रहा है, और ये आलू और गोभी, इन दोनों का गोभी। मिलाप हो रहा है, बिकॉज इन दोनों का अफेयर चलता है ना, इसलिए आलू गोभी मटर। मटर इनका बच्चा है, और आलू गोभी जो है ये हस्बैंड वाइफ है। आलू हस्बैंड नहीं, आलू हस्बैंड है, गोभी जो है वाइफ है। शादी हो रहा है ना आलू और गोभी में, वो यहाँ पे हल्दी ये पहला मटर है जो माँ बाप की शादी के पहले आ गया है। और हल्दी से लेप लगाते हुए, शादी से पहले जो हल्दी लगता है हाँ, वो शुभ होते हुए। वो एग्जैक्टली वही हो रहा है यहाँ पे। वेरी गुड दिमाग है ना आपका, सांसों की तो बड़ा अच्छा हो गया है। अब समझ में आया। हाँ आज ही समझ में आ रहा है मुझे तो। शादी के 5 साल बाद समझ में आ रहा है कि मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। वैसे वैसे होता आपने क्या, दिखाया ही आज है, आपने दिखाया। मतलब जब इंसान शो करता है तभी पता चलता है ना कि वो क्या है एक्चुअली में, है ना। चावल मिल गया मेरे पास, और बहुत ही स्वादिष्ट तहरी पुलाव आप जो समझे मतलब बनते हुए। इसका कलर भी बहुत अच्छा है, और स्वाद में भी आई होप बहुत अच्छा होगा। हाँ जी, तो दिवाकर जी यहाँ पे पील ऑफ कर रहे हैं मटर, क्योंकि मटर मेरे यहाँ आई थी लेकिन ये पन्नी में रखे रखे ना, पन्नी में रखे रखे खराब हो रही थी, तो मैंने बोला चलो हम मिलके छील लेते हैं। अब मैं इसका असल में शटर खोल रहा हूँ। ये मटर है, इसका शटर खोल रहा हूँ। इसको शटर खोल के बाहर निकालूंगा,
तो फिर इनके गटर में जाएगा होगी मतलब पेट में, ये संडे की ड्यूटी है देख लो। आधे मटर छील रहे हैं जब तक मैं अपना ओट्स खा लूंगी यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे ऊपर अभी राइस जो है वो राइस बन रहे हैं अभी वहाँ पे, तो जब तक वो बन रहे तब तक ये हमारा काम हो जाएगा। और डुबू थोड़ी देर के लिए सो गया था और अभी सो के थोड़ी देर पहले उठा है। ये ओट्स मैंने बहुत सिंपल बनाए हैं, पता नहीं कैसे बनाए। स्कूलों में जैसे होमवर्क मिलता था ना वैसे ये होमवर्क है संडे का। फाइनली हम लोग पूरा अपना डिनर विनर करके, मैं तो खैर पहले ही कर चुकी थी, ये लोग कर रहे थे, तो डिनर वगैरह करके हम लोग आराम से बैठे हुए हैं यहाँ पे। और बहुत मतलब संडे ही होता है हमारे पास एक दूसरे के साथ बैठो बात करो मजे करो ऐसे, वरना रोज ऑफिस से आएंगे चलो फटाफट खाना बना दो ये कर दो वो कर दो, मतलब दुनिया भर की चीजें करवाएंगे और ऊपर से फिर सुबह फिर रूटीन स्टार्ट हो जाता है सबको पता है। तो इसलिए नहीं मैं तो बता रही हूँ उनको बड़ा ही है। हाँ तारीफ है तारीफ। तो बस ये सब हो रहा है और हम लोग देख रहे हैं द कपिल शर्मा शो। अच्छा हाँ लास्ट पता है क्या हुआ था, छोड़ो बेकार की दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए छोड़ो सारी बातें। दूध गर्म किया नहीं अभी कर लो ना गर्म, एक ग्लास दूध और बादाम लो थोड़ा सा। एक गिलास दूध और बादाम। क्या हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। दूध तो डुगु दूध पियोगे? हाँ ना ना दूध नहीं पियेंगे वो, दूध नहीं पियेंगे ना 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 ना। मैं आ गई हूँ किचन में और फाकर जी दूध पीने के लिए बोल रहे हैं, तो ये दूध मेरे पास आज सुबह का भी है और शाम का भी है, तो मतलब टोटल 2.5 किलो दूध है मेरे पास। 1.5 किलो सुबह आया था और शाम को आया है 1 किलो। आज दिवाकर वैसे भी बोल रहे थे खीर बना लो लेकिन मैंने बनाई नहीं, अब नेक्स्ट संडे अगर हो सकेगा तो खीर बनाऊंगी। तो इतना सारा दूध है 2.5 किलो लमसम में, और कल का दूध जो है वो गर्म, हम लोग वहाँ चले गए थे ना नर्सिंग होम तो गर्म नहीं कर पाई, तो सुबह आके देखा तो दूध फट गया था, तो मैंने उसका पनीर बना लिया। ये रहा ये पनीर बना लिया मैंने दूध का, अब इसका मैं सुबह या तो भुजिया बना दूंगी पनीर भुजी, और या तो फिर पराठा बना दूंगी कुछ भी बना दूंगी। बहुत बढ़िया बना है वैसे पनीर, देखो देखो हाँ देखो पनीर कितना बढ़िया बना है ना, तो इसलिए इसका मैं सुबह या पनीर भुजी बनाऊंगी या पराठे बना दूंगी कुछ भी। ये आ गया मेरा और दिवाकर जी का दूध, ये लो अब लो जल्दी पी पा के खत्म करो। दूध
गरम है बेटा, गरम है। गया। क्या हुआ डुगो? फंस गया फंस गया फंस गया फंस गया। ओ ये चल आ जाओ वेरी गुड। आ जाओ दूध चल दूध पियो। चलो चोट नहीं आई। चलो फाइनली दिवाकर जी की इच्छा को पूरी करते हुए मैं यहाँ पे उनके लिए दूध लेके आ गई हूँ और अपने लिए भी मैं दूध ले आई हूँ। जब मैं गर्म ही कर रही थी मैं सोचा अपने लिए भी कर लेती हूँ थोड़ा सा, तो मेरा दूध ये रहा, मैं दूध पी रही हूँ। क्या बेटा क्या चोट खांसी बेटा भी जानी थी तुम्हारी। दवाई खाओ फिर से। चलो दवाई खाने के लिए मना कर रहा है डुगु। दवाई खाओगे? दाई लाऊं खिलाऊं तुम्हें? इसकी मेडिसिन वहां रखी हुई है तो कह रहे ना 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 दाई दाई ना ना ना। डुगु दाई खाओगे? दाई खा लो। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। मंडे मॉर्निंग हो गई है, हम लोग रात में सो गए थे। गुड मॉर्निंग। दूध पी के और दिवाकर यहाँ पे खड़े होके अपना नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ते में ये नमक पारे और क्या कॉफी कल जान क्यों क्या हुआ? कॉफी और का नमक पारे का डुकुर हो रहा है। हाँ डुकुर रो रहा है अंदर, मतलब रोना जग रहा है धीरे धीरे, सो रहा था ना। और मैं यहाँ पे अपनी ब्लैक कॉफी बना रही हूँ। कल मैं गया नमक पारे लाने के लिए। हाँ। तो मैंने वहां बोल दिया कि सेवड़ा लो। अब वो मुझे ऐसे देख रहा है ना, सेवड़ा ये क्या होता है? अब मुझे भी इसका नाम भूल गया, बिल्ली वाला। एक्चुअली पता है क्या, दिवाकर के यहाँ ना गांव में इसको क्या बोलते हैं? सेवड़ा। हाँ सेवड़ा सेवड़ा। मुझे भी अजीब लग रहा है बोलते हुए। और हम लोग ने उन्हें शुरू से इसे नमक पारे बोले, हमें नमक पारे बताया। अरे इसमें तो फर्स्ट टाइम मेरे सामने बोला ना, चलो सेवड़ा ले आओ। मैंने कहा क्या ये क्या होता है? तो अब दुकान वाले के सामने बोलेंगे तो उसे क्या पता सेवड़ा क्या होता है? तो वो अजीब नजरों से देखेगा ही देखेगा यार, हद है। और अभी आज डुगु जो है वो स्कूल नहीं गया है क्योंकि उसको खांसी है ना, तो हमने सोचा एक दिन का रेस्ट देके अच्छे से वो ठीक हो जाए तभी स्कूल भेजे। पता है अभी भेजते फिर कुछ लेके वहां से आ जाए फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए उसका आज की हमने छुट्टी करवाई है, अपने आप करवाई है हमने कि वो बिल्कुल प्रॉपर ठीक हो जाए तभी उसे स्कूल भेजेंगे। मेरी कॉफी यहाँ बन रही है। लंच रख लिया आपने अपना? मी विद माई कॉफी, ब्लैक कॉफी। ओके बहुत दिन हो गए यार हमारे घर में ना, मतलब हमारे घर में मेरे वाले बिस्किट जो मैं खाती हूँ ना, मेकविटीज वाले, वो नहीं आ रहे हैं। बहुत दिन हो गए, मैं बहुत मिस कर रही हूँ। अब मुझे कॉफी भी देखो खाली खाली पीनी पड़ रही है। वैसे मैं ऑलमोस्ट खाली पीती हूँ, कभी कभी मन कर जाता है कि कुछ कॉफी के साथ हो तो मजा आ जाए। काली है तो क्या हुआ, दिल वाली तो है ना। ब्लैक कॉफी पिया करो, फायदे होते हैं। चीनी डाल दोगे उसमें, फिर उसमें दूध डाल दोगे, सारा मजा खराब हो जाता है कॉफी का। इसलिए ऑलवेज पिंक ब्लैक कॉफी। ओके इस व्लॉग को मैं यहीं पे अब एंड कर देती हूँ। आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस व्लॉग को। अगर एंजॉय किया है तो मुझे प्लीज नीचे कमेंट करके बताना जरूर। और मेरा जो लास्ट वीडियो है डुगू का, और डुगू के लिए डुगू की जर्नी दिखाई है मैंने, जिसमें वो जब 5 महीने का होता है तब दिखाया, 8-9 महीने का दिखाया, फिर 10 महीने का दिखाया, फिर 1 साल का दिखाया, फिर 1 साल 2-3 महीने का दिखाया। तो प्लीज़ गाइज उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छा लगने वाला है, इतना अच्छा वीडियो है वो। और मैं इसका लिंक जो है, ये वीडियो जब ख़त्म हो रहा है ना, मैं यहीं पर लगा दूंगी एंड में उसको, तो उसको पे क्लिक करके आप डायरेक्ट उस वीडियो पे पहुंच जाएंगे। और प्लीज उसे देखना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल सोनिया तिवारी।